किसान भाई नमस्कार। आज मैं आया हूँ रुद्रपुर में और यहाँ पर जो है गर्मी में धान की खेती की जा रही है और मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आकर के खुद मैं देखूं कितने बड़े पैमाने पे धान की खेती हो रही है और इसमें मोटे धान की तो खेती हो ही रही, इसके साथ साथ बासमती की तमाम किस्में जिसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 की खेती भी हो रही है। इस समय दाना भरने की अवस्था में फसल है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं ये पूसा बासमती 1692 की फसल है, दूसरे खेतों में 1847 लगा हुआ है। आमतौर पर किसान भाई कहते हैं कि इसकी पैदावार करीब करीब 25 से लेकर के 32 क्विंटल प्रति एकड़ की हो जाती है, पैदावार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि गर्मी में बासमती धान की खेती मुख्य रूप से नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो चावल की गुणवत्ता है वो खराब होती है, दाने में खुशकुरी रहती है और दाने में टूटन भी ज़्यादा पड़ती है। इसके साथ साथ एक दूसरा इसका जो दुष्परिणाम है, चूँकि धान में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और हम अगर गर्मियों में धान की खेती करेंगे तो पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी जिससे हमारी ज़मीन का जल स्तर नीचे चला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं पंजाब में हरियाणा में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 10 जून से पहले धान की रोपाई नहीं की जा सकती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी भागों के किसानों को भी इस बात के ऊपर सचेत होना चाहिए।